हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज मैं बात करने वाला हूँ, अपने टाइटल थंबनेल से पता लगा लिया होगा कि किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ थड़म ये फिल्म के बारे में। अरे यार, क्या फिल्म है यार! मुझे इतनी बढ़िया लगी ना फिल्म, क्योंकि कैसा है कि हम लोगों ने सस्पेंस थ्रिलर का जो वन पार्ट है वो देख लिया है। बहुत पहले हम लोग देखते थे, तब दृश्यम देख लिया, ये देख लिया, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो हम लोगों ने देख ली है। बट ये वाली जो फिल्म है ना, वो थोड़ी अलग है। मीन्स ऐसी फिल्म, सस्पेंस थ्रिलर वाली, मर्डर मिस्ट्री वाली, मैंने पहले कभी नहीं देखी। मीन्स इसका स्टार्टिंग के जो 30-40 मिनट है ना, वो सबसे बेकार है। मीन्स उसमें, हाँ वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे ही आगे लिंक लगती है। बाद में सब जो देखा है ना, वो बहुत बढ़िया है। मीन्स लास्ट का जो आधा घंटा है ना, बेस्ट। वो तो मिस करना ही नहीं चाहिए। स्टार्टिंग मिस मत करो और अब एंडिंग मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एंडिंग के 10 मिनट में सब कुछ दिखाया है उसमें। कि अभी स्टोरी नहीं बताऊंगा मैं इसकी, क्योंकि वो सस्पेंस हो जाएगा कि वो दोनों है, वो कौन है दोनों, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो मैं रिवील नहीं करना चाहता, आपको खुद देखना चाहिए। यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है ये फिल्म। थड़म लिख दो आप वहाँ पे, यूट्यूब पे सर्च कर लो, आपको फ्री में मिल जाएगी ये फिल्म। जरूर देखना, 2 घंटे की फिल्म है, आराम से हो जाएगी आप एक दिन में। बहुत बढ़िया फिल्म है, क्योंकि ये ऐसी फिल्म है। मीन्स अंधाधुन देखी, अंधाधुन के बाद ऐसी बहुत सारी फिल्म है जो जिनकी एंडिंग एक्सप्लेनेशन के लिए आपको यूट्यूब पे आना पड़ रहा है। ऐसी ये फिल्म है। मैं एंडिंग इसका एंडिंग के बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बट ये फिल्म का ओवरऑल रिव्यू देने के लिए मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये आपको फिल्म ज़रूर देखनी है। बेस्ट फिल्म है, मर्डर मिस्ट्री की फिल्म है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, बहुत मज़ा आता है देखने में, ज़रूर देखना। और बात करते हैं एक्टिंग परफॉर्मेंस और स्टोरी राइटिंग की। स्टोरी राइटिंग इसकी बहुत ही बढ़िया है, मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि स्क्रीन प्ले स्टोरी राइटिंग बहुत बढ़िया है इसकी। जी स्टोरी राइटिंग का जो प्लॉट लिखा है ना, वो एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देता है हम लोगों को। ये वैसी फिल्म है, अरुण विजय जी है, उन्होंने उसके पहले खतरनाक पुलिस वाला की थी, उसका भी रिव्यू मैंने कर दिया है। कुतरम 23 नाम है उसका, वो उनकी भाषा में, रीजनल भाषा में जो फिल्म है उनका, जो कुतरम 23 नाम है, वो भी एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म है। वो भी नहीं देखी होगी तो वो भी ज़रूर देखना। तो ये 2 फिल्म हैं जो ज़रूर देखनी चाहिए उनकी, मरुण विजय सर की। मैंने तो 2 ही देखी है, बट वो देख दोनों देखनी चाहिए। D16 ध्रुव अनमोल पट्टीनारू जो मैं बोला था पहले, उसका भी रिव्यू मैंने कर दिया D16 नाम का। वो भी हॉटस्टार पे फ्री में अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। ऐसी बहुत सारी फिल्में जो सस्पेंस थ्रिलर है जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और बहुत सारी मैं फिल्में ढूंढ के निकालूंगा जो चुन चुन कर हम लोग क्या करते हैं मालूम है, स्टार को फॉलो करने के बजाय स्टार को फॉलो करते हैं, और वो वहीं पर मैं गलती कर देते हैं, क्योंकि वैसा नहीं होना चाहिए बोले तो। क्योंकि हम लोगों को है ना, ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए कि जिनको एक्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, क्योंकि इसका स्टोरी और प्लॉट इतना बहुत बढ़िया है ना, देखकर मैं चौंक गया था पहले। मीन्स पहले तो आधा घंटा तो बहुत बेकार होता है, बाद में डबल रोल है वो आपको तो पता चल जाएगा, और उसके बाद में जो क्या होता है वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो सस्पेंस है, वो बता दे तो पिक्चर का मज़ा निकल जाएगा। तो अब बात करते हैं ये सब का कंक्लूजन निकल के आने के बाद में, अब बात करते हैं स्टार रेटिंग के बारे में। मैं इसको दूंगा 8 out of 10 स्टार। अगर आपने फिल्म देखी है या फिर देखने वाला, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। तब तक के लिए बाय, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना। और मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, ये फिल्म ज़रूर देखना, और कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आपको ये फिल्म देखने के बाद कैसी लगी। तब तक के लिए बाय, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना। बाय।